जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच तीसरा दिलों की धड़कनों को अंतिम ओवर में तेज कर देने वाला मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले के अंतिम ओवर में टीम इंडिया को जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत थी और फिर हार्दिक पांड्या विराट कोहली ने कैसे चमत्कारी हारे हुए मुकाबले को पलट कर रख दिया। और इस दौरान हम आपको सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की दिलों में बस जाने वाली पूरी तो आज की इस हाईलाइट वीडियो में तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में से कौन सदी का सबसे अच्छा बल्लेबाज है। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया और इस मुकाबले में भारत की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। हालांकि जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी समाप्त हो गई थी तो ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम के कप्तान रोहित शर्मा का ये टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला गलत तो नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 186 रन बना दिए थे, जिसमें कैमरून ग्रीन ने 52 रनों की पारी खेली थी जबकि टिम डेविड ने 54 रन बनाए थे। हालांकि दोस्तों, बाकी कोई भी अन्य बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम का इतना कुछ खास अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाया, बस यही दोनों बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया था। और इसी के साथ भारत के सामने अब लक्ष्य था 20 ओवर में 187 रन बनाने का, लेकिन 187 देखने में तो छोटा स्कोर लग रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल मैदान पर, लेकिन दोस्तों मुकाबला लिटरली अंतिम ओवर तक गया कि देखकर आपके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी कि आखिरकार अंतिम ओवर में टीम इंडिया ने कैसे जीत हासिल कर ली। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में जब टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान एरन फिंच और कैमरून ग्रीन ने काफी आक्रामक शुरुआत की थी, जिसमें दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी देखने को मिली। हालांकि इसके बाद एरन फिंच 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो वहीं कैमरून ग्रीन ने एक छोर से तेजी के साथ रन बनाने का सिलसिला जारी रखा, जिससे ग्रीन ने अपना अर्धशतक जल्दी ही पूरा कर लिया, लेकिन वो 52 के निजी स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा बैठे। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले 6 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 66 रन बनाने में कामयाब हो सकी। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी करते हुए जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया को कुछ और झटके देने का काम किया और इसी के साथ देखते ही देखते 117 के स्कोर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद टिम डेविड ने डेनियल सैम्स के साथ मिलकर टीम की वापसी कराते हुए तेजी के साथ रन बनाए और स्कोर को 186 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं दोस्तों, टिम डेविड ने 27 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में अक्षर पटेल ने 3 विकेट अपने नाम किए। तो वहीं इसी के साथ अब 187 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब हम सभी को देखने को मिली, जिसमें टीम ने अपना पहला विकेट लोकेश राहुल के रूप में 5 विकेट के कुल स्कोर पर ही गंवा दिया था। और इसके बाद तो सोने पे सुहागा भारत के लिए ये हो गया कि रोहित शर्मा का भी विकेट गिर गया। दरअसल रोहित शर्मा ने एक छोर से तेजी के साथ रन बनाने का सिलसिला जैसे ही शुरू किया, लेकिन वह मात्र 17 रन की पारी खेलकर ही आउट हो गए, जिससे भारतीय टीम पहले 6 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन तक पहुंचने में ही कामयाब हो सकी। तो वहीं दोस्तों, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के बीच में तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी देखने को मिली, जिससे भारतीय टीम की पकड़ पूरी तरह से इस मैच में मजबूत हो चुकी थी। हालांकि सूर्य कुमार यादव 36 गेंदों में 69 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली ने इसके बाद भी हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर टीम को जीत की तरफ लेकर जाने का काम किया, जहां विराट कोहली के बल्ले से 48 गेंदों में 63 रनों की पारी देखने को मिली, जबकि हार्दिक पांड्या ने 25 रनों की नावाद पारी खेली। और वहीं हम आपको बता दें कि अंतिम ओवर में जब टीम इंडिया को जीतने के लिए 11 रन चाहिए थे तो अंतिम ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने छक्का लगा दिया, लेकिन वो दूसरी गेंद पर आउट हुए। तो इसी के साथ फिर जब तीसरी और चौथी गेंद विराट कोहली के बाद हार्दिक पांड्या ने खेली तो ये मिस हो गई, लेकिन पांचवी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 4 रन बनाकर इस मुकाबले में भारत की जीत करा दी। और इसी के साथ दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या जब मैदान पर टिके हुए थे जब टीम इंडिया को जीत मिली। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की शानदार जीत के बारे में और आप भारत की इस प्राइजलेस जीत को देखते हुए उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।
जी हाँ दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर पहुंची, जहां इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच हम सभी को एक और T20 मुकाबला खेला जाता हुआ नजर आया। दरअसल दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, रोहित शर्मा का आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करना उन्हीं की टीम पर भारी पड़ गया, क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 237 रन बना डाले थे और यहां पर भारत को लक्ष्य मिला 238 रनों का, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह मुकाबला जैसे जैसे अंतिम ओवर की तरफ बढ़ रहा था और रोमांच की सारी हदें पार हो रही थी और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के हाथों से गया ये मैच। बाद फिर मैदान पर उतरे स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल, जहां आज स्टीव स्मिथ ने 39 तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने 24 गेंदों में 46 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी की, जिसके चलते यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। और फिर अंतिम ओवर में कुछ टचेस मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को दिए, जिन्होंने 4 गेंदों में ही 15 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5 विकेट के नुकसान पर 237 रनों तक पहुंचाया। और इसी के साथ हमारी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह के हाथ लगे, जिन्होंने 3 विकेट लिए, तो वहीं भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल को एक एक विकेट मिला। और इसी के साथ जब भारतीय टीम 238 रनों के लक्ष्य के जवाब में उतरी, तो यहां पर भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए केएल राहुल और रोहित शर्मा आए, जहां ये दोनों ही बल्लेबाज देखते ही देखते मात्र 6 ओवर में अर्धशतकीय साझेदारी को पूरा कर लेते हैं और भारत का स्कोर 7वें आसमान पर 700 की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोस्तों, यहां पर पहला बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में टीम को लगा, जब केएल राहुल 17 गेंदों में मात्र 32 रन ही बना सके। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच आज यानी कि 25 सितंबर को हैदराबाद में T20 मुकाबला खेला जा रहा है, जहां मैच भारतीय समय अनुसार अब शुरू हो चुका है। तो वहीं दोस्तों, पहले मुकाबले में जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 4 विकेट से पराजित किया, तो वहीं दूसरे T20 मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। हालांकि ऐसे में अब तीसरा T20 मैच सीरीज के लिहाजे से निर्णायक हो गया है। तो वहीं दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले की लाइव अपडेट से पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार हैदराबाद का मौसम कैसा रहेगा। दरअसल दोस्तों, तीसरे T20 मैच में भी बारिश थोड़ा सा खलल डाल सकती है, जहां मैच के दौरान तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और हवा 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और लगभग 59% तक बादल छाए रहने की संभावना है और बारिश होने की संभावना 55% तक है। और वैसे भी हैदराबाद में बारिश का ये जो अनुमान है ना, 5 बजे के करीब जताया गया है और मैच के दौरान बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, जिसके चलते हम सभी को एक रोमांचक मैच देखने के लिए मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।